शादी समारोह में हथियार लहराना भारी पड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का सीजन चल रहा है, इस दौरान कई लोग हथियार लहराने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक घटना हरिद्वार में सामने आई। कई लोग सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ अपनी फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। हरिद्वार श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक शादी में तमंचा लहराकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना दो युवकों को भारी पड़ गया। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोह में ना ही असली और ना ही नकली हथियार की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालें, नहीं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लड़कों द्वारा शादी में तमंचा लेकर डांस करने की सूचना पुलिस को मिली। ग्राम टांटवाला में मौके पर पहुंची पुलिस को देख तमंचा लहरा रहे दो युवक खेतों के रास्ते भाग गए। पुलिस ने मौके पर इन लोगों से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि गांव का ही एक लड़का लवि और उसका एक साथी प्रियांशु जो बिजनौर का रहने वाला है, दोनों ने डांस के दौरान तमंचा लहराया। पकड़े गए, उनसे पूछताछ चल रही है इसमें डिटेल में, लेकिन हाँ उनसे तमंचे बरामद हुए हैं। इसी तरह पूर्व में भी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई है, अभी लगातार जो हमारे यूथ है तो उनको सभी से अपील है कि इस तरह के कोई आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, चाहे नकली वेपन हो चाहे असली वेपन हो। असली होगा तो नियमानुसार तो कार्रवाई होनी होनी है, उस संबंध में और जानकारी की जा रही है। बिजनौर से रहने वाले थे, एक शादी ब्याह में परिचित किए थे जहाँ पर डीजे बजने के दौरान उनके द्वारा ऐसे तमंचे लहराए गए थे, तो उनकी जब पहचान की गई तो उसके बाद उनको ट्रेस आउट किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनसे तमंचे भी बरामद हुए। देखिए दो चीजें इसमें, जो गैर कानूनी इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो अपना इस तरह का गैर कानूनी काम को छोड़ दें। कोई भी असली नकली वेपन को आप डिस्प्ले करते हैं, बहुत लाइसेंसी वेपन को भी डिस्प्ले करते हैं, वो भी कानून विरुद्ध है, तो सभी को जो कानून है उसका पालन करें।